जब भी नाइट्रीकरण की बात करेगा तो आपको नाइट्रीकरण से क्रिया कराना है। नाइट्रीकरण उसको तो जानते हो तुम लोग, एचएन ओ थ्री, हाँ तो ले लो क्लोरो बेंजीन, क्रिया करा दे नाइट्रिक अम्ल से। तो दो तरीके के आपके यौगिक बनेंगे, एक पी पर एन ओ टू जुड़ा होगा और एक ओ पर एन ओ टू जुड़ा होगा, तो पी वाला अधिक मात्रा में होगा, क्या एन ओ टू भी माइनस में होता है, सी एल भी माइनस में होता है, और हई जन ओ पर जुटी है उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, क्या होती है, तो तक थोड़ा सा इसमें लिख लो कि जब क्लोरो बेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है, नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है तो इसे नाइट्रीकरण कहते हैं, तो इसे नाइट्रीकरण कहते हैं। इसमें दो प्रकार के यौगिक बनते हैं, सब लोग याद करो, किससे क्रिया कराएंगे, क्लोरोबेंजीन से, सबको याद है क्लोरोबेंजीन का सूत्र, बेंजीन पर सीएल जोड़ो, ब्रोमोबेंजीन का बेंजीन पर बी आर जोड़ो, आइडोबेंजीन का बेंजीन पर आई जोड़ो, जब सिंपल से बात होती है तो सुनिए, का नाम है बोलो सब लोग, नाइट्रिक हम उससे क्रिया करा दो नाइट्रिक हम से, तो खट खट दो गो निकलेगा, एक हैदे निकला था, एक हैदे निकली, आप सभी लोग का नाम बताना है, क्या नाम होगा बताओ सब लोग, इसका नाम बोलो, एक दो तीन चार, वन क्लोरो फोर, वन क्लोरो फोर, एन ओ टू क्या कहते हैं, नाइट्रो बेंजीन, हके हके, हाँ तुम लोग कर यार हो कि बता रहे हो, तुम लोग कर रहे हैं, अरे कौन अधिक बनी, हाई की हाई, हाई ये हाई हाई बनी, कहा कि है ना टूट दूर, जो दूर रहेगा ना पी वाला अधिक बनता, नाइट्रिक करा हमेशा याद करना, क्लोरीन बेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करा दो तो दो तरीके का मिल जाओगे, क्या होते हैं जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, सल्फोनेशन ले लो, सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है सब लोग याद होगा ना, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराया जाता है, किसे क्रिया कराया जाता है, खत्म हो गया ठीक है, इसको आप काट दीजिए, नहीं पढ़ना है, कटवाएंगे याद है, इसको नहीं पढ़ना है ठीक है, ये नहीं पढ़ना है डाई वाला में, कोई यौगिक नहीं पढ़ना है, अरे पढ़ लो तो कटवा किस टाइम लगे, हाँ कब कटवा देंगे, तुमको भी कटवा देंगे, हाँ आगे बढ़ते मिटा दे, अधिक मात्रा में वो बनेगा जब जिसकी दूरी होगी पी पर जो लाएगा, पी माने प्राइम मिनिस्टर, माय ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर इज द नरेंद्र मोदी, दामोदर दास नरेंद्र मोदी, द ऑल द पंडित लाइक टू नरेंद्र मोदी वेरी मच, बिकॉज ही वाज द वेरी वेरी ग्रेटेस्ट फॉर द ग्रेट जो फॉर द पंडित इन द टेम्पल, ही मेड द टेम्पल द पंडित इज वेरी हैप्पी दैट आई हैव कमाई इन धमाई इन दिस टेम्पल, मैंने मंदिर बना दिए तो भाई पंडित लोग कमाई धमाई ना पड़ गए, लोग राम मंदिर बन गए तो खुश हैं, आइए सल्फोनेशन, सल्फोनेशन चले मिटा दे इसको।